आज हम घर में चिवड़े की नमकीन बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती है और घर पर बहुत ही सस्ती बनकर तैयार होती है। जरा से सामान में बहुत सारी नमकीन बन जाती है। नमस्कार, अर्चना होम किचन में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चिवड़ा की नमकीन बनाने के लिए देख लेते हैं किस किस चीज़ की आवश्यकता है। ये जो है मैंने मुरमुरे लिए हैं, इसको परमल भी बोलते हैं। ये मक्के के कॉर्नफ्लेक्स हैं कच्चे, ये मूंगफली के दाने, ये चिवड़ा है मोटा वाला, करी पत्ता, लाल मिर्च पिसी हुई, काला नमक, सफ़ेद नमक, चाट मसाला। हमने गैस पर ये पैन रख दिया है, हम ये मुरमुरे भूनेंगे। अपने इसमें जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा गर्म करने से। मैंने ये थोड़ी देर भून लिया है, इसका मॉइस्चर निकल गया है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब मैंने गैस पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब बाकी चीज़ें हम एक एक करके फ्राई कर लेते हैं। ये मूंगफली के दाने हैं, इनको हम फ्राई कर रहे हैं। इनको हल्के आंच पर हमें फ्राई करना है। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं, हम इनको अब निकाल लेते हैं। मैंने बाउल पर छलनी को रख दिया है ताकि ये इसका एक्स्ट्रा तेल नीचे बाउल में निकल जाए। अभी कॉम्प्लेक्स को हम फ्राई कर लेते हैं, इसको थोड़ा तेज आंच पर भूनना है हमें। ये तल चुके हैं, हम इन्हें निकाल रहे हैं। अब हम इनको भी इसी पर निकाल देते हैं ताकि इनका भी तेल निकल जाए। बाकी बचे हुए को भी तल लेते हैं। ये भी फ्राई हो गए हैं, हम इनको भी निकाल लेते हैं। ये हम इसको अब इसी में मिला देते हैं। अब हम चिवड़े को भी फ्राई कर लेते हैं। ये भी हमारा जो है तल गया है और ये मोटा वाला चिवड़ा है। नमकीन में हम मोटे वाले चिवड़े को ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी चिवड़े को भी हम तल कर निकाल लेते हैं। ये भी तल गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। आप इसको हम थोड़ी देर के लिए चलनी पर ही छोड़ देते हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा तेल नीचे निकल जाए। तब तक हम करी पत्ता को फ्राई कर लेते हैं। ये हमारे करी पत्ता भी फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल लेते हैं हम। ये हमारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल गया है, अब इसमें ही मिला देते हैं इनको। ये हमारा ऑयल निकल गया है इतना। अब हम एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं, इसमें अब इसको मिला लेते हैं। अब इसमें हम मसाले ऐड कर लेते हैं। ये 2 चम्मच मैं चाट मसाला मिला रही हूँ। ये मेरा घर का बनाया हुआ चाट मसाला है, इसमें अमचूर और साटरी मिली हुई है। इसमें हम थोड़ा सा सफ़ेद नमक मिला रहे हैं।
नमक अपने टेस्ट के अनुसार मिलाएं, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। और थोड़ा सा हम सब काला नमक मिला रहे हैं, और इसमें ये लाल मिर्च मिलाएंगे। अब इन सब मसालों को हम मिला लेते हैं। ये मसाले सारे हमारे मिल गए हैं। अब इनको हम एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए, चिवड़े की स्वादिष्ट एवं चटपटी नमकीन बनकर तैयार है। होली का त्यौहार आ रहा है, इसको घर पर बनाइए और अपने मेहमानों को खिलाइए, और कमेंट में बताइए कि ये कैसी बनी है।